ओवरऑल सिचुएशन रामबन डिस्ट्रिक्ट की अभी तक तो बहुत बढ़िया। रिसेंटली एक इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ है जिसमें माहौल एकदम से बढ़िया हुआ और शांतिपूर्वक सभी लोगों ने वोटिंग की है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरान में भी अभी असेंबली इलेक्शन में भी वोटिंग अच्छी हो और अच्छा माहौल हो, शांति का माहौल हो, अमन और सुकून के साथ लोग वोट आए। हमें डोडा की साइड से जो इंसिडेंट्स हुए हैं और बाकी कहीं से भी उधमपुर में इंसिडेंट्स हुए उनका पूरी जानकारी है, उसको ध्यान में रखे हुए हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक साइड से कुलगाम और दूसरी साइड से अनंतनाग के साथ भी टच करता है, हमें ये भी ध्यान में रखते हुए हमने उसका इंतजाम यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे पास डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी आ गई है और उसके लिए हमने एक खाका तैयार किया हुआ है कि किस तरह से अगर कोई इंसिडेंट होता तो उसको कैसे अनकटल करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, इलेक्शन हुआ है तो स्टार कंपेनर्स आएंगे, कांग्रेस पार्टी के स्टार कंपेनर्स आके चले गए हैं। इसी टाइप से एक्सपेक्टेशन है कि बाकी पार्टी भी फॉलो करेंगी। जैसा भी हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी उसके लिए हम जितनी भी जरूरत है सिक्योरिटी फोर्स की वो वहाँ पे डिप्लाई करेंगे और उनका फुल प्रोटेक्शन करके उनके प्रोग्राम्स को कामयाब बनाएंगे। कंपेन वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा सकती है, उसके लिए सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग का हमने सिस्टम बनाया हुआ है। हम सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बताना चाहते हैं सभी को कि कई लोग बहुत शौक में कुछ कुछ बातें कह देते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक की ट्रेंटलिटी और पब्लिक का अमन अमान में फर्क पड़ता है। मैं इस आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस टाइप की कोई कंपेन न करें, नेगेटिव चीजों को फैलाने की कोशिश न करें। अगर आपका कहीं पे कोई भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी बात रखिए, उसके ऊपर गौर किया जाएगा, उसके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा, लेकिन नेगेटिव कंपेन ना हो। नेगेटिव कंपेन होगी तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। तो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हाल ही में एक इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में और इलेक्शन आया, उसमें आइडेंटिफिकेशन हो गई है और उनको कैसे टैकल करना उसका डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी तो कबल वक्त होगा कि प्लान बन चुका है कि नहीं, अभी बन रहा है प्लान, बट ये सारी चीजें इसमें हम कंसिडरेशन में रख के बेहतरीन सा एक प्लान निकालेंगे सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हर एक वोटर को भी सिक्योरिटी का एहसास हो, आम आदमी को अपना सिक्योरिटी का एहसास हो और कैंडिडेट्स और उनके साथ मुंसलिक लोगों का भी सिक्योरिटी का एहसास हो। इस बारे के में हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये सारी कार्रवाई अमल लगेगी।